अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में उर्दू हरूफ तहज्जी के दो हरूफ दोस्तों यानी सीन और शीन को लिखना पढ़ना सीखा और सीन और शीन के ज़खीरा अल्फाज भी याद किए, तो इसी तरह आज हम दो नए हरूफ दोस्तों से मिलेंगे और उनको लिखना पढ़ना सीखेंगे। तो सबसे पहला हर्फ दोस्त स्वाद, स्वाद, और इसको इस तरह भी पढ़ते हैं स्वाद। इसका नाम है स्वा, आवाज है स्वाद। इसका नाम है स्वा, आवाज है। अब हम स्वा से शुरू होने वाले ज़खीरा अल्फाज पढ़ते हैं। स्वा सुराही, स्वा सुराही, स्वा संदूक, स्वा संदूक, स्वा साबुन, स्वा साबुन। तो चलिए बच्चों, अब हम स्वाद को लिखना सीखते हैं। स्वाद लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे जैसे एक बड़े से प्याले के ऊपर एक पत्ता रखा हो, और स्वाद बिल्कुल खाली होता है, स्वाद के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। और बच्चों आपको पता है स्वाद की एक कहानी भी है, तो चले हम स्वाद की कहानी पढ़ते हैं। सोफा साबुन और सुराही, सोफा साबुन और सुराही, सौ की सूरत अलग बनाई, सौ की सूरत अलग बनाई। तो चले बच्चों अब हम स्वाद के दूसरे हर्फ दोस्त से मिलते हैं। तो स्वाद का दूसरा हर्फ दोस्त है ज्वाद, का नाम है ज्वाद, और इसको इस तरह भी पढ़ते हैं ज्वाद। इसका नाम है ज्वा, आवाज है ज्वाद। इसका नाम है ज्वा, आवाज है। और अब हम ज्वा से शुरू होने वाले ज़खीरा अल्फाज पढ़ते हैं। ज्वा ज़िद्दी, ज्वा ज़िद्दी, ज्वा ज़िद्दी, ज्वा ज़िद्दी, ज्वा ज़ईफ, ज्वा ज़ईफ, ज्वा ज़ईफ, ज्वा ज़ईफ, ज्वा ज़ाया, ज्वा ज़ाया, ज्वा ज़ाया, ज्वा ज़ाया। अब हम ज्वाद को लिखने की मशक करते हैं। ज्वाद बिल्कुल स्वाद की तरह होता है और ज्वाद के ऊपर एक नुक्ता भी होता है। और बच्चों आपको पता है ज्वाद की भी एक कहानी है, तो चले हम ज्वाद की कहानी पढ़ते हैं। खाना पीना मौज उड़ाना, खाना पीना मौज उड़ाना, ज्वाद से ज़ईफ ना हो जाना, ज्वाद से ज़ईफ ना हो जाना। जो आप भी जल्दी से स्वात और ज्वात से शुरू होने वाले ज़खीरा अल्फाज याद करें और स्वात और ज्वात को लिखने की मशक करें। अल्लाह हाफिज़।